हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। हमारी एफआरएसआर की सीरीज स्टार्ट हुई है। पिछले लेक्चर में हमने एफआरएसआर का सिलेबस देखा था और एफआरएसआर को कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इस लेक्चर में आज हम एफआरएसआर का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, एडवांसेज। एडवांसेज के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। गवर्नमेंट में जो एडवांसेज है वो इंटरेस्ट फ्री एडवांसेज है। ठीक है, और इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेज भी। ठीक है, ऐसे एडवांस जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और ऐसे एडवांस जिसपे इंटरेस्ट लगता है। पहले तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन सेवन पे कमीशन ने मैक्सिमम एडवांसेज को एबोलिश कर दिया। अब को टोटल 6 एडवांस बचे हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो अपने गवर्नमेंट इंप्लॉय को एडवांस के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें 4 इंटरेस्ट फ्री है और 2 इंटरेस्ट बियरिंग है। इंटरेस्ट फ्री जो 4 एडवांसेज है वो कौन कौन से हैं? पहला है TA एडवांस, जो वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं जब वो टूर पे या ट्रांसफर पे जाते हैं तो। ठीक है, दूसरा TA एडवांस टू द फैमिली ऑफ, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसके होम टाउन या वो जहां सेटल होना चाहे उसके लिए भी TA एडवांस का प्रोविजन रखा गया। ठीक है, तीसरा जो है LTC एडवांस, और चौथा जो है मेडिकल एडवांस। ये 4 ही एडवांस बचे हुए हैं जो इंटरेस्ट फ्री एडवांस है, जो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देती है। TA एडवांस जब हम टूर पे या ट्रांसफर पे जाते हैं, जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जहां पे भी वो सेटल होना चाहे उसके लिए उनको TA एडवांस का भी प्रोविजन है, LTC एडवांस और मेडिकल एडवांस। ये दोनों हम जब TA रूल पढ़ेंगे तो दोनों वहीं पे कवर होंगे। LTC जब हम पढ़ेंगे तो LTC के चैप्टर में LTC एडवांस का पढ़ेंगे, और जब CGHS और CSMA रूल पढ़ेंगे तो मेडिकल एडवांस पढ़ेंगे हम। इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस 2 है। ठीक है, एक है कंप्यूटर एडवांस और दूसरा है हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA। ठीक है, तो 2 इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस है, कंप्यूटर एडवांस और दूसरा हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो पहले इतना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इतने से ही सवाल पूछ लेता है। पहले फेस्टिवल एडवांस वगैरह तमाम चीजें मिलती थी, सारा एबोलिश कर दिया गया, और आज के डेट में एडवांस की पोजीशन यही है। तो आपको याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस कौन कौन से हैं और इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस कौन, इतने में से ही आपसे सवाल पूछ लेता है। ठीक है जी, तो इस आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर एडवांस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम अपने ऑफिस से कंप्यूटर एडवांस लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, क्या उसका तरीका है। इसका नाम है पूरा पर्सनल कंप्यूटर एडवांस। ठीक है, PCA। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मिलता किसको है। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसको कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी, कंप्यूटर एडवांस के लिए एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसको कोई भी सियोरिटी नहीं देनी पड़ती, लेकिन अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंप्यूटर एडवांस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको दो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट की सियोरिटी देनी पड़ती। ठीक है, ये चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट आर एलिजिबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर एडवांस। ठीक है, अब यह है कि कंप्यूटर एडवांस के तहत अमाउंट कितना मिलता है। ठीक है, अमाउंट जो है मैक्सिमम 50,000
तक मिल सकता है या कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वेर इज लेस, जो लेस होता है वही मिलता है। मैक्सिमम 50,000 तक पर्सनल कंप्यूटर एडवांस मिल सकता है, अगर 50,000 से कम है उस कंप्यूटर का जो कॉस्ट है तो वही जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है वही रिइंबर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कई बार पूछ लेता है, तो 50,000 मैक्सिमम लिमिट है कंप्यूटर एडवांस की। अब होता क्या है कि जब हमें कंप्यूटर एडवांस लेना होता है तो हम एक फॉर्म जो है कंप्यूटर एडवांस का बना हुआ वो भरते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि एक तरीके से जो है कि मान लीजिए आपको अमेजन से लेना है, फ्लिपकार्ट से लेना है या किसी शॉप से लेना है, ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं टेंटेटिव प्राइस भी उसकी, जैसे इस अमेजन से अगर आपको लेना है, आप गए कोई लैपटॉप आपने देखा, देखने के बाद आप उसी की प्रिंटआउट लेकर के लगा के आप कंप्यूटर एडवांस क्लेम कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट की उस पर ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, कोई कंप्यूटर आपको जमा, उसकी आपने स्क्रीनशॉट निकाली और उसको लगा करके आप कंप्यूटर एडवांस के लिए क्लेम कर सकते हो। तो देखा जाएगा कि जो आपने स्क्रीनशॉट लगाया है उसका कॉस्ट अगर 50,000 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 50,000 आपको सैंक्शन किया जाएगा, और 50,000 से कम है तो जो एक्चुअल कॉस्ट आपने शो किया है वही सैंक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका है इसका। अब यह है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, कौन सैंक्शन करता है। ठीक है, तो वही है, कोई भी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर या एचओडी, ये इसको सैंक्शन कर सकते हैं। कंप्यूटर एडवांस सैंक्शन करने की जो पावर है डिपार्टमेंट की पावर है, अगर कोई यूनियन टेरिटरी का एम्प्लॉय है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर की पावर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अदर ऑफिस है जो एचओडी के अंडर में है तो एचओडी भी उसको अप्रूव कर सकता है। ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं कि इसकी कंप्यूटर एडवांस के लिए कुछ शर्तें हैं, वो क्या क्या है। कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशन, पहली नंबर की कंडीशन ये है कि पूरी सर्विस में मैक्सिमम 5 times कंप्यूटर एडवांस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है। ठीक है, इंटायर सर्विस में मैक्सिमम 5 times जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कंप्यूटर एडवांस ले सकता है। लेकिन ये बात बोली गई है कि उसका जो सेकंड या जो सब्सिक्वेंट एडवांस का एप्लीकेशन होगा, सेकंड या सब्सिक्वेंट एडवांस जो होगा वो तभी मिलेगा जब फर्स्ट एडवांस के बाद 3 साल बीत चुके हो, एक्सपायरी ऑफ 3 years आफ्टर फर्स्ट एडवांस। ठीक है, कहने का मतलब पूरी सर्विस में वो तो मैक्सिमम 5 बार कंप्यूटर एडवांस ले सकता है, लेकिन पहली बार जब एडवांस सैंक्शन हुआ तो उसके 3 साल के बाद ही दोबारा वो अप्लाई कर सकता है, दूसरी बार एडवांस सैंक्शन हुआ तो उसके 3 साल के बाद ही वो तिबारा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, विद इन 3 year मतलब एडवांस सैंक्शन होने के विद इन 3 year वो अगली बार के लिए कंप्यूटर एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल सर्विस में मैक्सिमम 5 times ले सकता है कंप्यूटर एडवांस, और 2 advance के बीच कम से कम मतलब कि 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, यही बात यहां बोली जाई गई। एक बात और बोली गई है कि जो पीसीए का जो कंप्यूटर एडवांस का जो अमाउंट है उस अमाउंट में जो कस्टम ड्यूटी का पोर्शन होता है, ठीक है, इसके लिए एडवांस नहीं दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब आपने जो स्क्रीनशॉट लगाया, जो एस्टीमेट वगैरह दिया, उसमें जो कस्टम ड्यूटी का पोर्शन है वो एडवांस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो आपने एस्टीमेट दिया है उसमें से कस्टम ड्यूटी के पोर्शन को घटा दिया जाएगा, और घटाने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो 50,000 से अगर कम है तो वही दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर एडवांस के जो अमाउंट है उसमें कस्टम ड्यूटी को है कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब वो एडवांस के रूप में उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। जो कंप्यूटर एडवांस आपको मिलेगा तो जो आप कंप्यूटर खरीदोगे वो आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा,
ठीक है, गवर्नमेंट के पास इसको मॉर्गेज करना पड़ेगा। मॉर्गेज करने का प्रोविजन क्यों है ये हम अगले मतलब एचबीए के क्लास में भी पढ़ेंगे। मॉर्गेज गवर्नमेंट इसलिए कराती है कि मॉर्गेज किसी भी गुड्स को करा लेने से गवर्नमेंट के पास या जो अथॉरिटी है उसके पास उस गुड्स को सेल करके रिकवरी करने का अधिकार मिल जाता है, इसीलिए मॉर्गेज कराया जाता है। तो गवर्नमेंट से आपने पैसा लिया है, पैसा लेकर के आपने कंप्यूटर खरीदा है, बीच में आप कहीं भाग जाते हो या कुछ भी कर जाते हो, तो आखिर गवर्नमेंट का पैसा कैसे रिकवर होगा? उसी के लिए जो चीज आपने खरीदी है उसका मॉर्गेज गवर्नमेंट करना पड़ता है कि अगर आपने रीपे नहीं किया तो गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि वो उस कंप्यूटर को सेल करके वो जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो यही कहानी जब हम बैंक वगैरह के पास लोन के लिए जाते हैं तो वो भी मॉर्गेज के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। कोई अपने लैंड का पेपर रख देता है, कोई हाउस का पेपर रख देता है, मॉर्गेज एक तरीके से गिरवी रखना पड़ता है। तो मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर जो है आपको गवर्नमेंट के पास खरीदने के पास मॉर्गेज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, कंप्यूटर एडवांस पे जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती रहती है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए अभी 9.8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी याद रखना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि रिकवरी कैसे होगी कंप्यूटर एडवांस की। ठीक है, रिकवरी जो है वो पे से ही होती है, जो आपकी सैलरी है उसी से रिकवरी होती है और मैक्सिमम 150 इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। मैक्सिमम 150 इंस्टॉलमेंट में जो है कि कंप्यूटर एडवांस की रिकवरी हो सकती है, ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन एक बात बोली गई है कि जितने ऑल एडवांसेज अगर उसने और भी जो एडवांसेज ले रखे हैं इन सब का अमाउंट मिला करके अगर उसकी सैलरी से एडजस्ट किया जा रहा है तो उसकी डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ हिज इमोलुमेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब उसने और अदर जो भी एडवांसेज ले चुके हैं वो सारे एडवांसेज की रिकवरी मिला करके उसके 50% मतलब उसकी सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट उसे 50% सैलरी हर महीने मिलनी चाहिए ताकि उसकी फैमिली की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होती है। ठीक है, तो यही चीज है कंप्यूटर एडवांस में, यही सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आप देख रहे हो जो आपसे सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कंप्यूटर एडवांस से। जैसे हम लोग का जब एग्जाम था तो ये वाला सवाल पूछा था कि जो कंप्यूटर एडवांस है वो मैक्सिमम कितने इंस्टॉलमेंट में रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो यही पूरी गाइडलाइन है कंप्यूटर एडवांस की, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा ताकि कोई भी सवाल आए तो आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि इंटायर सर्विस में मैक्सिमम 5 times वो कंप्यूटर एडवांस ले सकता है, लेकिन अगला या सब्सिक्वेंट एडवांस तभी मिलेगा जब फर्स्ट एडवांस से 3 साल का टाइम पीरियड बीत चुका हो। कहने का मतलब 2 कंप्यूटर एडवांस के बीच 3 साल का गैप होना जरूरी है। जो भी अमाउंट है उसमें कस्टम ड्यूटी का जो पोर्शन है उसके लिए कंप्यूटर एडवांस जो है कि नहीं पे किया जाता है। कंप्यूटर खरीदने के बाद उसका मॉर्गेज किया जाता है। कंप्यूटर एडवांस का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9.8% के हिसाब से होता है। ठीक है, रिकवरी का मैंने बताया कि वो उनके पे से ही रिकवरी किया जाएगा और मैक्सिमम 150 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखने को बोला गया है कि उसने जितने एडवांसेज गवर्नमेंट से ले रखे हैं उन सब की एडवांसेज मिला करके उनकी रिकवरी जो है उसके इमोलुमेंट्स मतलब पे एंड अलाउंसेस के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही चीज था कंप्यूटर एडवांस में, यही सारी बातें थी, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में इतना ही। हम हर लेक्चर में एक टॉपिक कवर करेंगे ताकि चीजें एक ही चीज के बारे में जो बातें हों, और आगे जो है अगले में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है,